आज हम बनाने जा रहे हैं शाही प्याज मलाई की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी और उसमें तेल भी गरम कर लिया। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा। जीरा जो हमारा चटकने लगेगा तो हम इसमें ये गरम मसाले डाल रहे हैं कुछ। तो ये मैंने 2 तेज पत्ते डाले, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। बस इसको हमको हल्का सा रोस्ट करना है। इसके बाद ये मैंने हरी मिर्च काट के रख ली है पतली पतली की। तो हरी मिर्ची भी हमारी बढ़िया सी सिक चुकी है। आप चाहे तो तीखा अगर कम खाते हैं तो मिर्ची कम भी कर सकते हो। इसके बाद मैंने ये कुछ थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया था, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस इसको भी डाल देंगे और हल्का से इसको भून लेंगे। तो अदरक भी हमारा थोड़ा सा सिक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था, इसकी एक एक परत निकाल ली थी। और इसको हम इसी तेल में डाल देंगे और इसको हमको बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट तक ही सेकना है। हमें ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी प्याज को सेकना है। तो बस इसी तरह से हम चलाते हुए इसको। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी प्याज सेक रही है, मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हुए, 2 बड़े साइज़ के और 1 छोटे साइज़ का लिया है। और इनका हम मिक्सी में प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज बढ़िया से सिक चुकी है, ये ट्रांसपेरेंट हो गई। बस हमें इतना ही सेकना है इसको। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर भी बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वैसे ये कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। अब इसके बाद मैं ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, तो इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये धनिया पाउडर डालूंगी और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने जो प्यूरी तैयार की थी टमाटर की, वो इसमें डाल देंगे और बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बढ़िया से हमारा मसाला सिक चुका है और साइड में ही ऑयल भी दिखने लगा है इसका। तो इसको सेकने में करीब 15 से 20 मिनट, हम जितना ज़्यादा मसाला सेकेंगे उतनी टेस्टी हमारी सब्जी बनेगी। तो मसाले को हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम तक सेकें और चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। अब इसके बाद हम डालेंगे ये इसमें मलाई। तो मैंने काफ़ी सारी मलाई ली है ताज़ी दूध की है और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो अभी ये मलाई डाल देंगे इसमें हम। अब बढ़िया से इसको हम फिर से हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो मलाई डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता मलाई का। और बस मीडियम फ्लेम पर इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और साथ में डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में। और जी के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी इसमें, तो इससे हल्की सी मिठास आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इसके भी कर सकते हैं। और इसके बाद बस इसको हम मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट फिर से पकाएंगे। अगर आप ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर हल्का थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो। पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद आती है इसलिए। तो बस इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सब्ज़ी बढ़िया से पक चुकी है और कितनी बढ़िया कलर आया है, कितनी बढ़िया दिख रही है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी शाही प्याज मलाई की सब्जी तैयार हो चुकी है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। Bye.